क्या चल रहा है सब? क्या सब? कब से चल रहा है ये? क्या ये? अरे तुम्हारा ये क्या? अरे तुम लोगों का ये नहीं कहते उसे, ये कहते हैं। कब डिसाइड किया कि ये बनोगे? आपने कब डिसाइड किया ये नहीं बनोगे? कार्तिक यार, हम दोनों ये सही नहीं कर रहे हैं। तो गलत भी तो नहीं कर रहे हैं। अबे लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। तो यही सोच रहा होगा ना कि घर वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, कि दुनिया क्या सोचेगी। जिसको जो सोचना है सोचने दे, हमें सिर्फ हगने से मतलब है। क्या? हमें सिर्फ साथ रहने से मतलब है। एक बात मुझे साफ साफ बता, तुम मुझसे प्यार तो करता है ना? हाँ करता तो हूँ यार। तो बस इधर आ। अब क्या यार, गले मिल यार। तू टेंशन ना, हम सबको मना लेंगे। नहीं मना पाएंगे। क्यों? अब क्या हुआ? अब नहीं मना पाएंगे। मैं फिर को चुन्ना काटा ना। उधर ना देखो यार, लल्लन हमारी वीडियो बना रहा है। अभी साला लल्लन कौन है? बहुत ही उपद्रवी लौंडा है यार, उल्टी सीधी वीडियो बना के आपस में लड़ाइयां लगवाता है। अरे तो पता लग जाने देना यार, एक ना एक दिन तो हमारे बारे में सभी को पता लगना है। अरे एक दिन की बाद में देखेंगे, अभी उसको रोको यार। नहीं रोकूंगा, जा। नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। ठीक है, आज से हमारा जो भी है ना सब खत्म। मतलब? मैं जा रहा हूँ। प्यार करता हूँ तुझसे यार, तू जो बोलेगा वो करूंगा, रोकता हूँ ना। अभी रोकता हूँ। अरे अंकल, हमें इन दोनों पे बहुत पहले से शक रहा है। साले गार्डन में साथ घूमत है। मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। बाइक में चपक के बैठा थे। पर आज तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। ससुरा आज मिला है प्रूफ। साला पूरे समाज के सामने नाक कटा दी, बस यही सुनने को रह गया था। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? प्यार करता हूँ उससे। ये तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तूने पुरुष से प्यार किया, पुरुष से? ये संगम नहीं हो सकता। कभी नहीं। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? अरे कभी सुना है दो मर्दों का मिलन? सुनने में इतना खराब लग रहा, तो कहीं हो गया तू? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सुन रही हूँ ममता, सुन रही हूँ सुषमा तुम? मम्मी से बात करेंगे, मैं मम्मी को बता देता हूँ ना। अरे मम्मी, हम उससे सचमुच का प्यार करते हैं। आपको टेंशन होती थी ना कि कैसी बहू आएगी, क्या रंग आएगी, इसीलिए हमने एक अच्छे इंसान से प्यार कर लिया, जिसके साथ हम बहुत ही खुश हैं। और उसके साथ हम भी बहुत ही खुश हैं। अरे ममता समझाओ इसको, इसने कुछ आगे का सोच रखा है? पोता पोती का सुख हम लोग को कैसे मिलेगा? कुछ नालायक बच्चे तो अपने माँ बाप की नाक कटवा देते हैं, पर इसने तो कुछ और ही कटवाने को सोच रखा है। Oh my God. अरे मम्मी पापा, हम जब पहली बार मिले थे ना, हम दोनों के खड़े हो गए। क्या क्या क्या? रोंगटे पापा, रोंगटे। बस बहुत हुआ। अगर आज तेरी माँ जिंदा होती तो फिर से मर जाती। तुम्हारा जन्मदिन है और कल मैं शर्मा जी की बेटी को उनके साथ बुलाकर तुम्हारा विवाह करा दूंगा। पर पापा, बस बहुत हुआ। पर पापा, मुझे कुछ नहीं सुनना। दरवाजा उधर है। ये दोनों लड़के तो हाथ से निकलते ही जा रहे हैं। वापस लाने का एक ही तरीका है। क्या? इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करा देनी चाहिए। अच्छा, और कल हमारे लड़के का जन्मदिन है, कल मैं इसकी शादी तय कर दूंगा।
बस आप अपने लड़के को मत लाइए। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो नहीं आएगा। चलिए चलते हैं फिर। खेट किसने बंद कर दिया? शिट। अब ये देखो कैसे लगा। इतने सारे गुब्बारे, मैं क्या बच्चा हूँ क्या? बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, बाप के लिए तो बच्चे ही रहता है ना। अरे जग्गू, जग्गू, वो तो नहीं आएगा। नहीं वो नहीं। आप रिश्ते की बात करने वाले थे? हाँ बस आते ही होंगे। टाइम तो हो गया, कोई आते नहीं। अरे बगा, अरे शर्मा जी, कैसा भाई तू? सब बढ़िया, आप बताओ? बढ़िया एकदम। क्या हुआ? अरे बिटिया कहाँ रह गई? ये क्या बेटी है? बड़ी नटखट है हमारी बेटी। अरे भगत जी, ये हमारी बेटी कुसुम। बेटा पैर छू अंकल के। खुश हो बेटा, खुश हो, खुश हो। शर्मा जी ऐसा करते हैं, बच्चों को कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसी और का प्यार बना देंगे। क्या बात कर रहा है? हाँ लड़की वाले आए हैं उसको देखने, तभी तुम्हारे बाप तुम्हें यहाँ बंद करके चले गए। अब जल्दी जाओ और बचाओ जाके अपने प्यार को। लेकिन तुम हमारी मदद क्या कर रहे हो? गुरु क्या है ना, तुम्हारा प्यार गलत नहीं है, तुम्हारा प्यार सही है। पर हम वहां पहुंचेंगे कैसे? ये लो बेटा केक काट। पापा मैं केक तब तक नहीं काटूंगा जब तक कार्तिक यहाँ नहीं आ जाएगा। चुपचाप केक काट दे, सबके सामने। अब तक तो मैं समझता था कि बच्चे इसलिए ना समझो, पर समझ जाओगे इतने। लेकिन आज तो तुम दोनों ने हद पार कर दी। अरे हद तो आप दोनों ने पार कर दी है। कैसे समझाएं आप दोनों को कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? माना कि हमारा प्यार औरों जैसा नहीं है, अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। आपको दिक्कत क्या है? अरे बेटा दिक्कत ये है कि तुमने एक पुरुष से प्यार किया है जो हमारी संस्कृति में नहीं है। अरे किस संस्कृति की बात कर रहे हैं आप लोग? जो मेरे कॉलेज में थी हैं? साला नुक्कड़ में चाय पीने वाले हम सीसीटी में लेके गए थे उसको कॉफी पिलाने। हमने सोचा एक कप कॉफी मंगाएंगे, दोनों लोग साथ में एक कप में पियेंगे। लेकिन जैसे ही हमने एक कॉफी का सिप सुर सुर करके पिया, वो बोलती है ओ इसको तो तुमने झूठा कर दिया, हमारे लिए दूसरा कप मंगाओ। हम वहीं पे खड़े हुए और हाथ जोड़ा, बोला राधे राधे और वहां से कट लिए। फिर तभी हमको बाहर ये मिल गया, बड़े उदास लग रहे थे। हमने इनसे पूछा चाय पियेंगे, तो बोले एक ही कप में पियेंगे। हमने कहा ठीक है पी लेंगे, बस तभी से ये हमारे सैया बन गए और हम इनके भैया। तो बस इतनी सी बात में तुम लोग ने ये बनने का फैसला कर लिया? ये नहीं अंकल, गे कहते हैं उसे। हाँ वही यार। अरे हम भी तुम्हारे बाप के साथ एक ही कप में चाय पीते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये बन जाए। ये नहीं अंकल, गे कहते हैं उसे। अरे वही यार, हमें जो बोलना था वो हमने आपसे बोल दिया। जिंदगी सिर्फ एक बार मौका देती है कुछ अलग करने का। तू हमेशा से कहता था ना कि तुझे रोडीज बनना, तो तेरा टास्क शुरू होता है अब। एक बार अपने दिल की करने की सोच तो मेरे भाई। छी भाई की बोला, अगर तेरे अंदर मेरे जैसा पागलपन है तो आ जाना मेरे पास, वरना चले जाना अपने बाप के साथ। जा बेटा कर ले अपने दिल की। पर एक बात बता, मुझसे तो लड़ लिया, दुनिया से कैसे लड़ेगा? आप ही मेरी दुनिया हो। बस बस जा। मैं सही कहा था, तू सबको मना लेगा। और देख सम्मान के।
ले कर दिया टास्क पूरा, तो हूं ना मैं असली रोडी। देख क्या रहा यार, गले मिल, कहा था ना सबको बना लूंगा। आपने इनकी बात क्यों मान ली? क्योंकि इनके प्यार में हिम्मत है दुनिया से लड़ने की। काश यही हिम्मत हम लोग ने भी दिखाई होती तो आज हमारी जिंदगी कुछ और होती। बग्गू, अब तो हम साथ हैं ना। वो तो है,